Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema. I welcome back with another video of Capital Smart City. And this video is about two topics. Number one is the elevation or design of main entrance gate of Chakri Road. Yani Chakri Road pe Capital Smart City ka jo main gate banega, uska design kya hoga, uski elevation kya hogi aur uska aane wale dino mein kya impact padega executive district 1 ko, plus jo dusra naya block launch kiya ja raha hai, jo is video ka dusra topic hai, wo hai overseas prime block. Aur overseas prime block ke hawale se main aapko teen cheeze explain karunga. Number 1 is ki overseas prime block ki prices kya hai. Number 2, overseas prime block ki location kya hai. And number 3, ki overseas prime block kyun hai, yani uske prime features ya main features kya hai. तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक पे, यानी जो एंट्रेंस गेट. इस टॉपिक के हवाले से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर लिया है, उन मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट इस गेट पे दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है. इस गेट की एलिवेशन का जो डिज़ाइन है, मैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे उस गेट की एलिवेशन का डिज़ाइन देख सकते हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स ने अभी लॉन्च नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में इस गेट की एलिवेशन लॉन्च कर दी जाएगी. और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेट की जो सॉइल टेस्ट या कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनिशियल फेजेस में काम होता है, उस इनिशियल फेजेस का सॉइल टेस्ट मुकम्मल हो गया. तो आने वाले आप कह लें कि मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते से दो हफ्ते के दौरान यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस गेट की स्टार्ट हो जाएगी. इस मेन गेट की खास बात ये भी है कि ये ना सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 है उसका मेन गेट है चक्री रोड पर, ओवरऑल ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो तीन गेट्स बनेंगे चक्री रोड पर, उनमें से सबसे जो मेन गेट होगा वो ये गेट होगा. और इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वह ये है कि जो नया ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक, उसका भी मेन गेट यही गेट होगा. बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की लोकेशन, उसकी प्राइसेस और उसके अलावा उसके साइजेस, उसमें जो ऑफर किए जा रहे हैं, उसकी जो प्राइम चीज़ें हैं उसके वाले से एक्सप्लेन करता हूँ. इस वक्त जो गेट की फुटेज आप देख रहे हैं ये 23rd of September 2020 की अपडेटेड साइट फुटेज है. अब बात करते हैं ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के हवाले से कि ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन कहाँ पे है, प्राइसेस के हवाले से मैं एंड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा. इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं और जो मास्टर प्लान में इस वक्त बैलेटेड ब्लॉक है ये ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 है और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 है. और इसके सेंटर में जो ये वाला एरिया ग्रीन पैच आपको नजर आ रही है, बेसिकली गोल्फ कोर्स है. ओवरसीज़ प्राइम की लोकेशन ये है कि ओवरसीज़ प्राइम गोल्फ कोर्स के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है. ये जो सिल रिवर का एरिया बीच में और इस पर एक ब्रिज यहाँ बना हुआ है, इसके बाद ये जो एरिया इस गेट से लेके इस गेट के दरमियान में और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में, ये सारा ओवरसीज़ प्राइम का एरिया होगा. बेसिकली गोल्फ कोर्स के अंदर सोसाइटी की तरफ से विलास बना के पेश किए जाएंगे जो कि गोल्फ कोर्स के साथ बिल्कुल एडजेसेंट होंगे. ये उसी विलास की तरफ पे यहाँ पे प्लॉट्स लॉन्च किए जाएंगे जो कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात उन प्लॉट्स की ये है कि मिनिमम स्ट्रीट्स यहाँ पर हर प्लॉट के आगे मिनिमम स्ट्रीट 50 फीट की है. दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, हाइटेड है. हाइटेड होने से एडवांटेज आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहे हैं अगर आपने साइड पे विजिट किया है. इनफैक्ट मैं अभी आपको ड्रोन फुटेज जो दिखाऊंगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला एरिया प्लेन लैंड है, जो नेशनल गार्डन की लैंड थी जो एक्वायर की गई थी रिसेंटली, और बाद में अभी ये लैंड भी एक्वायर की गई है इस गेट से लेके इस गेट के दरमियान में और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में. ये वाली लैंड जो होगी सारी ओवरसीज प्राइम के नाम से होगी और ये गोल्फ कोर्स का एरिया जिससे बिल्कुल ये एडजेसेंट होगा. तो गोल्फ कोर्स में जो विलाज बनाए जाएंगे वो विलाज एचआरएल की तरफ से बना के पेश किए जाएंगे सेलिंग के लिए, और यहाँ पे प्लॉट्स दिए जाएंगे जो लोग खुद अपनी डिज़ाइनिंग पे विला बनाना चाहें गोल्फ कोर्स से एडजेसेंट, वो यहाँ पे विलाज बना सकते हैं. मिनिमम प्लॉट यहाँ पे जो पेश किया जाएगा वो 7 मरला का होगा और मैक्सिमम प्लॉट जो पेश किया जाएगा यहाँ पे सेलिंग के लिए वो प्लॉट होगा 4 कनाल का. लेकिन इनिशियली 7 मरला से लेकर 2 कनाल की प्राइजेस लॉन्च की गई हैं. अभी मैं आपको साइट की पूरी 360 एलिवेशन दिखाता हूँ कि पूरा ब्लॉक कैसे लोकेट करता है, और एंड पर मैं आपको इनकी प्राइजेस बता दूंगा और इनिशियली जो प्राइजेस लॉन्च की गई हैं वो रिवाइज कब होंगी उसके बारे में एक्सप्लेन आपको कर दूँगा. बात करें अगर ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के सबसे प्राइम फीचर्स की, जो इसका सबसे पहला प्राइम फीचर है वो ये है कि इस ब्लॉक में जो मिनिमम स्ट्रीट विड्थ होगी वो 50 फुट की होगी. यानी कि इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जिनकी बैलेटिंग हो भी गई है, जैसे ओवरसीज़ 1 है, ओवरसीज़ 2 है, एग्जीक्यूटिव 1 है, एग्जीक्यूटिव 2 है, आर्मी पार्क ब्लॉक है, इन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसमें पूरे ब्लॉक की जो स्ट्रीट की विड्थ हो वो 50 फुट हो. तो इस ब्लॉक में जो सबसे प्राइम फीचर है वो ये है कि इसमें मिनिमम स्ट्रीट विड्थ 50 फुट होगी और मैक्सिमम स्ट्रीट विड्थ यानी कि स्ट्रीट की जो मैक्सिमम चौड़ाई होगी वो 180 फुट, जो मेन बुलेवर्ड है जो जिसकी इस वक्त आप फुटेज स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिस पॉइंट पर वो मेन एंट्रेंस गेट बनेगा उस पे जो मेन रोड अटैच होगी वो 180 फीट वाइड होगी. अगर हम बात करें कि इससे पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी कोई ऐसी सोसाइटी है जिसने मिनिमम हर ब्लॉक में हर जगह पे 50 फुट की स्ट्रीट दी हो, तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं जिसमें 7 मरला के प्लॉट से लेके
चार कनाल का प्लॉट मैक्सिमम अभी इनिशियली दो कनाल तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लेटर स्टेजेस पे चार कनाल के रेट्स भी आ जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं इनमें मिनिमम स्ट्रीट विड्थ जो है 50 फुट रखी गई है। अब बात करते हैं इसके सेकंड मेन फीचर की, यानी इसका जो सेकंड प्राइम फीचर है वो ये है कि ये जो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है, ये गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट है और गोल्फ कोर्स को डिज़ाइन किया पीटर हेराडाइन ने। हेराडाइन गोल्फ एक गोल्फ कोर्स की कंपनी है जिसकी दुनिया में 91 ईयर्स की हिस्ट्री है, यू कैन गूगल इट। और इस हिस्ट्री की बेस पे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हेराडाइन गोल्फ ने कैपिटल स्मार्ट सिटी का 18 होल पीजीए स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स डिज़ाइन किया है। तो इस गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट होने का जो फ़ायदा होगा यहाँ के रेजिडेंट्स को, वो ये होगा कि जो गोल्फ कोर्स के अंदर विलास बना के सेल किए जाएंगे एचएल की तरफ से, जिसके मॉडल्स अभी ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट वन ब्लॉक ए में स्ट्रीट वन पे बनाए भी जा चुके हैं, इनफैक्ट उनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, उस पर प्लस्टर का काम हो रहा है, उन विलास की तर्ज पे ही गोल्फ कोर्स के अंदर विलास पेश किए जाएंगे। तो इस ब्लॉक में, ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में, गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट ब्लॉक रख के हाइटेड एलिवेटेड ब्लॉक पे यहाँ पे प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे, जिनमें मिनिमम जो प्लॉट होगा वो 7 मरले का होगा और मैक्सिमम जो प्लॉट होगा उसकी जो प्राइस होगी वो बनेगी अराउंड 125 लाख, यानी 1 करोड़ 25 लाख दो कनाल के प्लॉट का। अभी इनिशियली मैंने बताया कि चार कनाल का प्लॉट नहीं लॉन्च किया जाएगा, लेटर स्टेजेस पे भी चार कनाल का प्लॉट भी लॉन्च किया जाएगा। प्राइम फीचर्स में अगर थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि ये काफ़ी एरिया हाइटेड एलिवेटेड एरिया है, जो आप स्क्रीन पर फुटेज देख भी सकते हैं कि बाकी अगर हम स्मार्ट सिटी से कंपैरिजन देखें तो जैसे आप गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में गेट नज़र भी आ रहा है, उस गेट से लेके नीचे की तरफ यानी जो ब्रिज बना हुआ है उस तक आएँ तो आपको एक स्लोप फील होती है, यानी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है क्योंकि ये खैरी मूरत रेंज में आता है जो एक पहाड़ी सिलसिला है, और इस पहाड़ी सिलसिले का एडवांटेज ये होगा कि जब पूरा स्मार्ट सिटी रेडी हो जाएगा तो इस ब्लॉक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक एलिवेटेड घर बनेंगे, जो गोल्फ कोर्स से भी अच्छी हाइटेड जगह पे होंगे। और इसका एडवांटेज ये होगा कि पूरे स्मार्ट सिटी की जो स्काई लाइन होगी वो यहाँ से विजिबल होगी और काफ़ी अच्छा, जैसे मनाल पर आप जाते हैं तो मनाल पर आपको एक डिफरेंट फील मिलती है, इस तरह ये एक ब्लॉक होगा जो प्राइम ब्लॉक होगा, हाइट वाइज के बाकी ब्लॉक्स की निस्बत इस ब्लॉक की हाइट सबसे ज़्यादा है। तो जितनी लैंडमार्क्स बिल्डिंग है उनकी विजिबिलिटी आसान होगी और प्लस पूरी जितनी स्काईलाइन है कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो इससे काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि जो अट्रैक्टिव होगी। नेक्स्ट इज़ के इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें डांसिंग फाउंटेन होगा, जैसे आपने यूएई में दुबई में देखा होगा डांसिंग फाउंटेन का कॉन्सेप्ट, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे इस ब्लॉक के अंदर भी डांसिंग फाउंटेन बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज़ इसमें फेरिस व्हील अगर आप देखें तो अगर गूगल कर लें बेशक इस पे कि फेरिस व्हील एक बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, चूँकि ये ब्लॉक चहान डैम जिसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स भी होंगे, जिसमें लेक व्यू टेरेसेस भी होंगे, जिसमें बहुत कुछ होगा, सिनेमाज होंगे, फैशन गैलरी होगी, उसके साथ एडजेसेंट है, और दूसरी साइड पे ये गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट है, और तीसरी साइड पे ये रिंग रोड से सिर्फ लेस देन 2 माइल्स के डिस्टेंस पे है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो इसको प्राइम ब्लॉक बनाते हैं। जो लोग सवाल करते हैं कि इस ब्लॉक में क्या प्राइम है, तो सबसे पहला प्राइम पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक के दो गेट्स हैं जो मेन चक्री रोड पर एडजेसेंट है, चक्री रोड से आपको ईजिली कनेक्शन मिलेगा रिंग रोड का। दूसरा पॉइंट है कि हाइटेड, यानी कि पूरे स्मार्ट सिटी में जो सबसे हाइटेड ब्लॉक होगा ये उनमें से एक है। थर्ड पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक में मिनिमम 50 फुट की स्ट्रीट रखी गई है। फोर्थ पॉइंट ये है कि गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट है, तो कोई भी सोसाइटी ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जिसके गोल्फ कोर्स के साथ इतने एडजेसेंट प्लॉट अवेलेबल हों। अगर अवेलेबल होते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो यहाँ जो प्राइसेस ऑफर की जा रही हैं उन गोल्फ कोर्स के एडजस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइसेस हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स जो गोल्फ कोर्स के अंदर विलास बना के बेचेंगे उनकी प्राइसेस तो अभी लॉन्च नहीं की गई, लेकिन जो लोग गोल्फ कोर्स के साथ प्लॉट्स लेके उस पर ख़ुद अपनी मर्जी का घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सुनहरी ऑप्शन है। ये लिमिटेड इन्वेंट्री है, यानी कि लिमिटेड प्लॉट्स हैं 7 मरला से लेकर 4 कनाल के दरमियान में, और इसके रेट्स विद इन 10 डेज रिवाइज हो जाएंगे। इनिशियली जो रेट हैं, जो ओवरसीज़ के रेट्स बंद हुए हैं, जो क्लोज बुकिंग हुई है वो बुकिंग हुई है 31.51, और इसमें 2.5% का इंक्रीमेंट करके जो नया रेट है वो इसमें लॉन्च किया गया 32.30। मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला था, जो 7 मरले का सबसे कम रेट है वो 32,30,000 है, और तमाम ब्लॉक्स बाकी की नस्बत देखा जाए तो बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है, 2.5% का डिफरेंस है, और जो मैंने पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं ये पॉइंट्स बाकी ब्लॉक्स में नहीं है। ये ब्लॉक चहान डैम से भी एडजस्टेड है, गोल्फ कोर्स से भी एडजस्टेड है, और मैंने आपको बता दिया मेन रोड से भी एडजस्टेड है। तो इसका जो एडवांटेज चहान डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो ये होगा कि चहान डैम जो है बेसिकली उसकी सराउंडिंग नेबरहुड का जितना एरिया है उसको रिजर्व किया गया जस्ट फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे रेस्टोरेंट्स, फैशन गैलरी, फैशन बुलेवर्ड, बाकी जो अच्छे अपार्टमेंट्स होंगे लेक फेसिंग, और इसके अलावा आर्टिफिशियल बीच भी बनाया जाएगा जो चहान डैम की सराउंडिंग में होगा, और आर्टिफिशियल लेक भी बनाई जाएगी
इसी ब्लॉक के साथ एडजेसेंट। तो ये रीज़न्स हैं कि इस ब्लॉक का नाम ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक है। अगर मैं इसके लास्ट टू फीचर्स की बात करूँ तो उसमें एक ये फार्मूला टू का कार्स रेसिंग ट्रैक है, और जो उस सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी, जो इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी या सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या पाकिस्तान में जो भी सोसाइटी कर लें आप, किसी में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्राइसेस। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो सबसे पहले जो प्लॉट है 7 मरला का, जिसका साइज़ बनता है 175 स्क्वायर यार्ड, उसकी टोटल यूनिट प्राइस जो बनती है वो बनती है 3,230,000 रुपीज़, यानी 32,30,000 रुपये प्राइस है इसकी। डाउन पेमेंट जो बनती है इसकी 10% वो बनती है 3,23,000 रुपये, कन्फर्मेशन एक महीने बाद 3,23,000 रुपये, मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी, हाँ इस ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में मंथली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 30,760, और जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है यानी 5 इंस्टॉलमेंट्स आप मंथली पे करेंगे और 6 इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी वो हाफ ईयरली होगी, वो बनेगी 184,583 रुपीज़, यानी 1,84,583 रुपये आपकी 7 मरला की जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी। बात करें 10 मरला प्लॉट की प्राइस की, तो 10 मरला प्लॉट की जो टोटल प्राइस बनती है वो बनती है 42,45,000 रुपीज़। डाउन पेमेंट की अगर बात करें तो 4,24,500 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट है, एक महीने बाद कन्फर्मेशन है वो बनती है 4,24,500, सेम जैसे बुकिंग थी। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें वो बनती है 40,430,000 रुपीज़, और इसके बाद सेमी एनुअली यानी कि जो साल की 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगी या 6-6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट होगी उसकी वैल्यू बनती है 2,42,565 रुपये। अगर हम बात करें इसके बाद 12 मरला प्लॉट की, जिसका साइज़ बनता है 300 स्क्वायर यार्ड एरिया बनता है, और इसकी अगर टोटल प्राइस की बात करें, ये लास्ट प्राइसेस जो क्लोज़ हुई हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में उनसे सिर्फ 2.5% ज़्यादा है, और इसमें अभी 10 डेज़ के बाद रिवीजन हो जाएगी। इसके अगर 12 मरला प्लॉट की बात करें तो उसकी प्राइस बनती है 46,95,000 रुपीज़, और उसकी डाउन पेमेंट बनती है 4,69,500, और उसकी कन्फर्मेशन एक महीने बाद सेम 4,69,500, और मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी टोटल 44,715 रुपीज़, और इसकी जो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो बनती है 2,68,280 रुपीज़। अब बात करते हैं जी इसके 1 कनाल के प्लॉट की, जिसका साइज़ बनता है 500 स्क्वायर यार्ड, और इसकी जो प्राइस बनती है वो बनती है 63,65,000 रुपीज़, डाउन पेमेंट 6,36,000 रुपीज़, कन्फर्मेशन भी सेम एज इट इज़। अगर हम बात करें मंथली इंस्टॉलमेंट की तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है इसकी 60,620 रुपीज़, और अगर सेमी एनुअली यानी साल की जो 2 इंस्टॉलमेंट्स होंगे उनकी बात करें तो 3,63,708 रुपीज़ बनेगी इसकी इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअली। बात करें 2 कनाल के प्लॉट की प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस टोटल इसका साइज़ बनता है 1,000 स्क्वायर यार्ड, और इसकी जो प्राइस बनती है वो बनती है 1,25,00,000 रुपये इसकी टोटल प्राइस है, और इसका 3.5 ईयर 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, ये मैं बताना भूल गया शुरू में। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 42 है, यानी कि आपकी 42 मंथली इंस्टॉलमेंट है, 3.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर 2 कनाल के प्लॉट की बात करें, इसकी डाउन पेमेंट जो बनती है वो बनती है 12,50,000 रुपये, कन्फर्मेशन जो एक माह बाद बनती है वो बनती है 12,50,000 रुपये, और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं 42 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो वैल्यू बनती है 1,19,000 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर हम बात करें इसकी सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट या जिस साल के आपने सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट देनी होती हैं उस इंस्टॉलमेंट की, तो बनती है 7,14,274 रुपीज़ पाकिस्तानी। ये अमाउंट है जो आपको ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की ओवरऑल आपको प्राइसेस के बारे में गाइड किया। अब ओवरऑल अगर आप इसमें स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में लोकेशन या बुकिंग करवाना चाहते हो, इनफैक्ट इसका मैप भी आने वाले दिनों में शायद लॉन्च कर दिया जाए, मैंने इसका मैप देखा है लेकिन अभी तक वो लॉन्चिंग फेज़ में नहीं आया, जब वो लॉन्च होगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।